वैसे सर्दियों के दिनों में मूंगफली खाने का बड़ा मजा आता है। जी करता है कि खाते ही जाऊं। लेकिन ये मूंगफली ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं है, इसमें कैलोरीज होती है, वजन भी बढ़ सकता है और तो और इससे खून भी हो सकता है। ये हमें तो पता नहीं था लेकिन डॉक्टर साळुंखे ने बताया कि पीनट से खून हो सकता है और वाकई खून हुआ है। पहले तो हमारे समझ में कुछ आया ही नहीं, अब डॉक्टर साळुंखे ने बताया तो बस आप ही खुद देख लीजिए ना। आज की शाम चमन के नाम। कुमार साहब, आज तक पेज 3 पर देखा था, आज यहाँ भी गए। आपकी डॉटर का कॉलेज कैसे चल रहा है? बस स्माइल करते रहो। हाय, आई एम प्राची, मिस्टर कुमार सिस्टर। हाय, आई एम रचना। आप लोगों को पहले देखा नहीं मैंने। आई एम श्योर आप मेरी भाभी के फ्रेंड्स होंगे, है ना भाभी? हाँ प्राची, आई थिंक ये लोग आपके फ्रेंड्स हैं। अरे एंजॉय करो यार, तुम्हारी पार्टी यार। कम ऑन, यू एंजॉय योरसेल्फ, मैं भी आता हूं। ओके ओके, एंजॉय। चमन, क्या बात है, तुम परेशान से लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम सबका ख्याल रखो, मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ क्रिश, ग्रेट पार्टी यार। थैंक्स। अरे डैड का जवाब नहीं। मैं तेरे से मिलता हूँ अभी। क्रिश, क्रिश कहाँ? आता हूँ मॉम। भाभी, भाभी क्या हुआ? क्रिश, चलो आपको फोन करो, हॉस्पिटल लेके चलो। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैंने ही फोन किया था आपको। मेरा नाम क्रिश है और ये मेरी मॉम मिसेस मालविका कुमार, और जिस किसी ने भी मेरी मॉम पे अटैक किया ना, वो बचना नहीं चाहिए। इतने जोर से आवाज करने की जरूरत नहीं है, सीआईडी को मालूम है कि क्या करना है। मॉम, मॉम आप ठीक हो ना? मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। वहीं पे तो लगा मॉम। अच्छा हुआ भाभी जो आपको होश आ गया, वरना मैं तो सोच रही थी कि आपके जैसी दयालु औरत पे कौन हमला कर सकता है। मालविका जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। अब आप ठीक हैं? बस मेरी गर्दन में थोड़ा दर्द है। आपको कुछ याद है ये अटैक आप पे कैसे हुआ? ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं, फिर भी कुछ तो याद होगा आपको। मैं पार्टी में थी सबके साथ, मैं क्रिश और चमन को देख ही रही थी कि अचानक एक डार्ट आकर मेरी गर्दन पे लगा और उसके बाद कुछ भी याद नहीं। ये डार्ट आया कहाँ से, किसने मारा, ये देखा आपने कुछ? मैंने आपसे कहा ना, ये सब इतनी अचानक हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। एक्चुअली भैया पार्टी में नजर नहीं आ रहे थे तो मैं और क्रिश मिलके भाभी को हॉस्पिटल ले आए। इस वक्त तो उनको यहाँ होना चाहिए था, वाइफ हॉस्पिटल में है। ढूंढना ही पड़ेगा, वाइफ को किसी ने मारने की कोशिश की है और हस्बैंड गायब है। जी सर, कहिए किससे मिलना है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी। लेकिन सब लोग तो हॉस्पिटल में हैं। मालविका मैडम पर किसी ने अटैक कर दिया था। ये हम लोगों को मालूम है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। मिस्टर चमन कुमार को बुलाइए। चमन साहब? हाँ चमन कुमार जी, कहाँ है वो, हॉस्पिटल नहीं गए वो, कहाँ है? सर ये तो मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ नहीं देखा इसलिए सोचा कि वो हॉस्पिटल गए होंगे। तुम्हें ये भी नहीं पता कि चमन जी घर में है या नहीं? हाँ, इस घर को अच्छी तरह से चेक करो, वो चमन कुमार यहीं कहीं छुपा होगा। सर मालविका को डार्ट पार्टी के दौरान ही लगा था, मतलब मारने वाले ने घर के अंदर से ही मारा है।
हाँ दया, मुझे भी यही शक है। दया डार्ट यहीं कहीं से मारा होगा और मुझे शक तो इस चमन कुमार जी पर है। अरे ये दरवाजा क्यों बंद है? क्या हुआ अभिजी? सर ये दरवाजा बंद है यहाँ पे। किसका कमरा है? सर ये तो चमन साहब का स्टडी रूम है। चमन साहब का स्टडी रूम? इस कमरे की चाबी तो होगी? नहीं सर, तोड़ना पड़ेगा सर। दे। मैं हूं ना, मैं किसी हूं सर? चलो ठीक है। चमन साहब को क्या हुआ? चमन साहब, लगता है यहाँ कोई तूफान आके गया है। बंद कमरे में ये सब हुआ कैसे? इसीलिए हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। चमन साहब तो मर चुके हैं। सर ये इनहेलर मिला है सर, शायद चमन जी की मौत अस्थमा अटैक से हुई है सर। हाँ सर, चमन साहब को अस्थमा की बहुत बड़ी बीमारी थी। और ये इनहेलर के अंदर जो बॉटल है वो भी पूरी खाली है। अच्छा, अस्थमा के पंप के अंदर की बॉटल खाली है, दरवाजा अंदर से बंद है और बाहर किसी ने सुना नहीं। फेलिक्स संभाल के नीचे देखो, जले हुए पेपर के टुकड़े। एक काम करो, कुछ लेकर आओ बाहर से और इन्हें संभाल के उठाओ स्प्रे करके। ओके? यस सर। चलो आप भी चलिए। जी चलो। अभिजीत सर, लगता है ये खून है। मतलब ये देखो, यहाँ देखो नाक के नीचे और ये गाल के ऊपर और ये यहाँ देखो कान के बाजू में। हाँ ये तो रैशेस है। हाँ सब जगह है। लगता कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है अभिजीत, और इसका पता यहीं पर चलेगा, इसी कमरे में। कमरे को अच्छी तरह से चेक करो। ये पति और पत्नी दोनों पे अटैक हुआ है सर। ये मोबाइल भी मिला है सर। और एक बात है सर, इसमें आखिरी कॉल करण नाम के किसी आदमी ने किया था। करण? हाँ, ये करण कौन है? अब वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। नहीं भैया, हमें छोड़ के नहीं जा सकते। कहाँ डैड? मुझे डैड के पास जाना है। एक्सक्यूज मी, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता आप लोग ऊपर नहीं जा सकते। अब हमारा क्या होगा? इस घर का क्या होगा? देखिए, लगता है चमन कुमार जी का खून हुआ है। खून? खून? जी हाँ, खून। किसी ने चमन कुमार जी पर भी अटैक किया था। क्या आप कुछ बता सकती हैं किसका काम हो सकता है ये? क्या चमन कुमार जी का कोई दुश्मन या उनका किसी के साथ झगड़ा? देखिए डैड, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और कुछ लोग उनसे जलते भी होंगे, और वो उनके पार्टनर प्रणय, उनके साथ भी उनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। प्रणय बिजनेस पार्टनर है ना? और ये करण कौन है? करण? हाँ करण कौन है? करण ने क्या किया है? उसका इस केस से क्या ताल्लुक? देखिए करण वो आदमी है जिससे आपके भाई ने आखिरी बार बातचीत की थी। हमें लगता है कि करण ने ही उन्हें स्टडी में बुलाया था। मैम ये करण का नाम सुनकर तुम दोनों की हालत खराब क्यों हो गई? क्यों? देखो अगर हमसे कुछ छुपाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। तब सच सच बताओ क्या हुआ था? वो एक्चुअली करण चमन भैया का लॉयर है। चमन भैया अपनी वसीयत चेंज कराना चाहते थे। इसका मतलब है करण ने मिस्टर चमन को वसीयत के बारे में फोन किया था? पता नहीं नई विल बनी भी या नहीं,
डेड का क्या भरोसा? कहीं ये खून इस वसीयत की वजह से तो नहीं हुआ? क्यों? हाँ? देखो, अगर तुम दोनों कुछ बताना नहीं चाहते तो ठीक है, हम करंट से पता कर लेंगे। करण, करण दरवाजा खोलिए, हम लोग सीआईडी से आए हैं। जब भी कभी हम सीआईडी वाले किसी के घर पर जाते हैं तो या तो अंदर कोई सोया हुआ रहता है या फिर। ऐसा मत बोलिए सर, इस बार कुछ अलग होगा। अच्छा, तो चलो देखो। ओह माय गॉड, मैंने कहा था ना फिटिंग्स गोली लगी है। मर गया सर, सीने पे गोली लगी है, इसका मतलब किसी ने सामने खड़े होके गोली मारी है। हाँ, हताबाई के भी कोई निशान नहीं, इसका मतलब है इसे अंदाजा भी नहीं था कि जो भी कोई सामने खड़ा था वो इसे गोली मार दे। सर, ये करण गोली चलाने वाले को जरूर जानता होगा। बिल्कुल सही फ्रेडरिक्स, एक काम करो, देखो चमन कुमार जी की वसीयत यहाँ इस घर में है क्या, चेक करो अच्छी तरह से। सर ये वहाँ किचन के पास मिला है। टूटा हुआ सेल फोन? सर ये करण का ही होगा। सर वो वसीयत तो यहाँ नहीं है। वसीयत नहीं है तो कहीं खूनी वसीयत लेकर भाग तो नहीं गया? दो लोग जानते थे, दोनों चले गए, एक तो मिस्टर चमन और अब ये करण। अभिजीत कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। पहले चमन कुमार जी का खून, फिर उनके लॉयर करण का खून, चमन कुमार जी को मरने से पहले आखिरी फोन ये करण ही करता है। इस करण का खून चमन कुमार जी के वसीयत से जुड़ा हुआ जरूर है। और साहब ये चमन कुमार और करण की लाशें चुप हैं या कुछ बोलना भी चाहती हैं? लाशें बोलना तो चाहती हैं अभिजीत, लेकिन बोल रही हैं कि सुनने वाला कोई शरीफ आदमी होगा तभी बात करेंगी। शरीफ? डॉक्टर साहब हमारी शराफत तो दुनिया को मालूम है, आप जल्दी से इन्हें भी बता दीजिए। बात तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ वो एसीपी भी आने वाला ना, अगर एसीपी आ रहा है तो फिर। नहीं नहीं, एसीपी साहब तो कहीं चले गए हैं, वो तो लैब के आसपास भी नहीं भटकने वाले। फिर हम लाशों से बात कर सकते हैं। ये देखो, जैसा तुम दोनों देख रहे हो लाल रंग के निशान, देखो ये चेहरे पर हैं, ये पूरी बॉडी पर ये पैचेज हैं, और ऐसे ही लाल निशान ये पैरों पर भी हैं, ये देखो तलवों पर भी, दोनों तलवों पर देखो। कोई जबरदस्त एलर्जी हुई है? हुआ ऐसा है कि चमन कुमार को अस्थमा का जबरदस्त अटैक आया। अस्थमा समझते हो ना, दमा, दमा दमा का ऐसा जबरदस्त अटैक आया कि बेचारे की डेथ हो। कमरे में एसी था, ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं थी, और बाहर से कुछ अंदर आया भी नहीं, तो फिर ये अटैक आया कहां से? अंदर से, अंदर ही कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसी जबरदस्त चीज जिसे खाने या छूने से ही बेचारे की तुरंत मौत हो गई। डॉक्टर साहब एक बात समझ में नहीं आ रही है, किसी चीज को छूने से आदमी मर कैसे सकता है? फ्रेडरिक्स अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता नहीं देता। डॉक्टर तारिका। क्या बात है डॉक्टर तारिका, आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब कुछ ठीक है ना? वो जो एनर्जी हुआ करती थी आपके अंदर आजकल दिखाई नहीं दे रही है। कुछ नहीं सर, बस दीदी को लेकर जरा परेशान थी, 6 महीने पहले उनकी शादी हुई और जाने दीजिए सर, ये सब घर की बातें हैं। और क्या वो ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली सभी की उम्मीदें उन पर है। वो तो पूरी कोशिश करती रहती है कि मायका और ससुराल दोनों की उम्मीदों पर खरी उतरे। इनफैक्ट लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बेटी और बहू दोनों की जिम्मेदारी एक साथ निभाना। मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था शादी के बाद। सच्ची सर, उसे देखती हूँ तो मुझे भी रोना आता है, समझ में नहीं आता कि उसकी हेल्प कैसे करूं। एक आइडिया है, आप अपनी सिस्टर को वो सीरियल दिखाना, अब
बाबुल का आंगन छूटे ना। 21 जनवरी से सूर्य टीवी पे आने वाली है, सोमवार से गुरुवार रात को 10 बजे। एनीवे, लेट्स कम टू द बिजनेस। अभी हम चमन कुमार की मौत की बात कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं इन्फेक्टेड स्किन का टुकड़ा लेकर रेडिएशन करने जाता हूँ, पता लगाते हैं आखिर वो क्या चीज है जिसकी वजह से एलर्जी हुई है। तो देखो ये स्किन सेल्स पर कितना असर हुआ है, ये जो ग्रीन पैचेस देख रहे हो ना तुम, ये एलर्जी के निशान है। है किस चीज के? ये पीनट, पीनट फैट। मूंगफली? मूंगफली खाने से जान चली गई? मैं तो आज से ही मूंगफली खाना बंद कर दूंगा। वैसे भी मेरी वाइफ कह रही थी। एक मिनट फ्रेडरिक, अपनी वाइफ को घर छोड़ो, हम यहाँ काम की बात कर रहे हैं। और ये एलर्जी का अटैक बहुत खतरनाक था, एनाफिलैक्सिस, इससे जान भी जा सकती है। जान जा सकती है क्या मतलब डॉक्टर तारिका, जान चली गई है? मतलब किसी को पहले से मालूम था कि चमन कुमार को पीनट से एलर्जी है और पीनट से मारा उसे। सवाल ये उठता है कि चमन के कमरे में पीनट आया कहाँ से? हम लोगों ने जब कमरा चेक किया तो मूंगफली का एक दाना भी नहीं मिला। मैं खुद चल के चेक करता हूँ। डॉक्टर तारिका, तब तक आप वो जले हुए पेपर्स में से कुछ निकाल लिए। वो पीनट यहीं कहीं होगा ज़रूर, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिसकी वजह से मिस्टर चमन को इतना जबरदस्त अटैक आया है। मौत यही हुई है बॉस, इसका मतलब वो चीज भी यही कहीं होगी जरूर। खूनी ने वो चीज छुपा के रखी होगी। बिल्कुल छुपा के रखी होगी, लेकिन तुम लोग सावधान रहना, कहीं तुम्हें ना लग जाए। तुम लोगों में से किसी को एलर्जी तो नहीं है ना पीनट से? उन्हीं ने तरीका तो बहुत अच्छा निकाला था, लेकिन उसे पता नहीं है फॉरेंसिक डॉक्टर की नजर से कोई चीज बच नहीं सकती है। चलो जल्दी करो यार। बस हो गया, 2 मिनट लगेंगे। अभिजीत, ये देखो, यहां देखो, कुछ सॉल्यूशन जैसा लग रहा है। सॉल्यूशन जैसा? कोई खाने की चीज? कर दिया ना कबाड़ा यार। डॉक्टर तुम हो कि मैं हूं? वैसे है सॉल्यूशन जैसी चीज। मतलब पीनट ऑयल? हाँ पीनट ऑयल। ऐसा करो तुम ही कर लो ये सब कुछ, तुम्हें सब कुछ पता तो है ही, मैं चलता हूँ। सर के प्लीज, अभी भी बहुत काम बाकी है, करो यार। देखो जरा ये फाइल के ऊपर पीनट ऑयल लगा है, कहीं ये फाइल करण तो लेके नहीं आया? मुझे भी यही लगता है अभिजीत, ये फाइल करण ही लेकर आया होगा। करण ने ही चमन कुमार को पार्टी में फोन किया। मुझे तो लगता है किसी ने करण को पैसे दिए होंगे चमन कुमार जी को मारने के लिए। सर शायद ये काम चमन के किसी फैमिली वाले ने किया होगा। सर सिर्फ फैमिली वाले जानते थे कि चमन कुमार को पीनट ऑयल की एलर्जी थी। सर प्रणय भी हो सकता है, चमन का बिजनेस पार्टनर। कृष्ण ने बताया था ना, आजकल दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चमन की मौत से प्रणय को फायदा होने वाला है, क्योंकि विल तो मिली नहीं, सारा का सारा बिजनेस जाएगा प्रणय के पास। मतलब अभिजीत, चमन कुमार के जितने भी लोग करीब थे उन्हीं में से किसी ने ये काम किया है। पता कैसे चलेगा? क्या बॉस फंस गए ना यहीं पे आके? हाँ फंस गए। है तुम्हारे पास कोई रास्ता? फॉरेंसिक लैब का रास्ता। यस डॉक्टर तारिका, कुछ अच्छी खबर? लगता है इस पेपर पे क्या लिखा था उसे हम पढ़ सकते हैं। ऐसा हुआ तो ये केस एकदम साफ हो जाएगा। हाँ पेपर लाश के पास मिले हैं और जले हुए हैं, कुछ तो बात होगी। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पेपर पे लिखी हुई हर चीज बड़ी नजर आती है। जैसे ही रेडिएशन से इस पे गिरेगा सब कुछ साफ नजर आएगा।
तो कुछ तो दिख रहा है सर, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। 2008 सर, ये तो जनवरी का है सर। मिल गई सर, यही वो नई विल है जो चमन कुमार ने मरने से पहले बनाई थी सर। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हम लोग को भी दिख रहा है। सॉरी सर। सर इसका मतलब चमन जी नई विल बना रहे थे जब उनकी मौत हुई थी सर, और ये जो नई वसीयत है खूनी ने ही जलाई होगी सर। खूनी ने चमन कुमार का खून करने के बाद वो नई वसीयत जलाई थी। इसका मतलब है पुरानी वसीयत से खूनी को कोई फायदा होगा। नई वसीयत, पुरानी वसीयत, विल विल विल, यहाँ मेरे भैया की जान चली गई है और आप लोग हैं, क्या आपको विल की पड़ी है? प्राची जी, चमन कुमार जी का खून भी इसी वसीयत की वजह से हुआ है, समझी? और इस वसीयत में गड़बड़ भी इसी परिवार में से किसी ने की है। अब कहना क्या चाहते हैं? अपने भैया का खून हमने किया है। वो जो कोई भी है ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। हमें छुपाने की क्या जरूरत है? अभी नाटक बंद करो और सच सच बताओ, क्रिश कहाँ है? कहाँ है क्रिश? मुझे क्या पता, गया होगा अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में। प्राची बुआ। अरे भाभी आप, शर्म आनी चाहिए प्राची, अभी अभी इनकी मौत हुई है और तुम हो कि सबके सामने ये। संभालिए अपने आपको मॉम, आपकी तबीयत पहले से ही बहुत खराब है। सॉरी मालविका जी, लेकिन क्या करें, हमें तो अपनी ड्यूटी करनी ही पड़ती है जी। देखिए, हमें एक वसीयत के कुछ टुकड़े मिले, जले हुए टुकड़े। पुरानी वाली के या नई वाली के? मिस्टर चमन के डेड बॉडी के पास मिले हैं वो टुकड़े, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि वो क्या चीज है जो मिस्टर चमन अपनी विल में से बदलना चाहते थे। देखिए, ये बात तो भैया के वकील ही बता सकते हैं। चमन अपनी विल में क्या बदलना चाहते थे ये तो उन्होंने घर पर किसी को नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है वो क्रिश के बारे में कुछ सोच रहे हैं। भाभी, ये बात सिर्फ करण बता सकता है। बिल्कुल सही कहा प्राची जी, बिल्कुल सही। और खूनी कौन है ये तो हम करण से भी उगलवा सकते हैं। आप तो जानती है मालविका जी कि सीआईडी वाले तो मुर्दों से भी सच उगलवा सकते हैं। सर, आई एम अनुज, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मर्डर्स, दो मर्डर्स और एक अटेम्प्ट टू मर्डर। मतलब? करण का खून हो गया मालूम है ना आपको? हाँ, अच्छा अब मैं समझा, आप करण सर की मर्डर केस की जांच करने आए हैं। अब ये पता करने आए हैं कि चमन जी का वसीयत कहाँ है। करण ने चमन जी का वसीयत बनवाया था ना? हा? और वो भी एक नहीं, दो। दो विल? मुझे तो एक के बारे में भी पता नहीं है, वो सब करण सर ही देखते थे, अब वो इस दुनिया में। अब चुपचाप जल्दी से जो कुछ भी मालूम है फटाफट बता, समझा? वरना यहाँ ऑफिस में सबके सामने तेरी इज्जत का हलवा बना दूंगा। पिछले दो हफ्तों से चमन कुमार जी और उनके पार्टनर प्रणय बहुत बार यहाँ पर आए थे। वसीयत के लिए आ रहे थे? ये मत पूछिए प्लीज। क्यों? मुझे इसके बारे में वाकई कुछ नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि चमन कुमार जी बहुत परेशान रहते थे। अच्छा, तो फिर करण जी के पास उस वसीयत की कॉपी होगी है? ये मैं नहीं जानता। देखो ऑफिस में यहाँ कोई कॉपी है क्या? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। किसके पास हो सकती है ये वसीयत की कॉपी? शायद डायना मैडम को पता होगा। नहीं सर, वसीयत के कोई पेपर्स नहीं है। अच्छा, ये डायना मैडम को कैसे पता होगा है? ये डायना मैडम है कौन? डायना मैम करण सर की जूनियर हैं, और जितने भी सीक्रेट पेपर्स होते हैं वो सब डायना मैम ही रखती हैं। कहाँ है ये डायना मैडम? मैम, अनुज, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे आज किसी को नहीं मिलना है। यहाँ की एसीपी लगती है। मैम, सीआईडी वाले आए हैं। करण सर की मौत से हम सब अभी भी बहुत शोक में हैं। देखिए डायना जी, चमन कुमार और करण जी के खून में एक बात कॉमन है, वह चमन कुमार जी का विल, वसीयत। क्या आपको मालूम है ये विल कहाँ है? मुझे? जी हाँ, आपको। इस ऑफिस का सारा कॉन्फिडेंशियल काम तो आप ही देखती है ना, हमें पता चला है कि आपको सब मालूम है। जो करण को मालूम था वो आपको भी मालूम है। देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। पिछले 10 दिन से तो मैं मनाली में थी,
अपनी आंटी के पास। तो आप 10 दिन की छुट्टियों पर गई थी, मनाली गई थी। खैर ऑफिस लौटने के बाद क्या आपको कुछ पता चला, ऐसे कुछ गड़बड़ वगैरह हुई है? जब मैं वापस आई थी मुझे ये जरूर मालूम हुआ था कि चमन कुमार का बेटा ऑफिस में आया था और उसमें और करण सर में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। थैंक यू। फ्रेडरिक्स, पता करो ये मनाली क्या करने गई थी। अभिजीत, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 28 दिसंबर को मनाली में बर्फ गिरी थी या नहीं। ये डायना कह रही थी कि 28 तारीख को बर्फ देखने गई थी, इसलिए। हाँ, तो पता चल जाएगा कि डायना 28 दिसंबर को मनाली में थी क्या। सर, ये चमन कुमार अभी तक जिंदा था ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों से लेके परिवार वाले सब उसके जान के दुश्मन थे। सर, एक आदमी की मौत से इतने सारे लोगों का फायदा होने वाला था। एक तो चमन की बहन प्राची, दूसरा उसका बेटा क्रिश, और ये प्रणय भी तो है, उसका बिजनेस पार्टनर। इन तीनों में से ही कोई एक है वो खूनी। सर, इन तीनों को बुला के अलग अलग पूछताछ करते हैं, थोड़ी देर में सब निकल के आ जाएगा सामने। आइए। आइए आइए आइए। देखिए, फैमिली का झगड़ा, इसमें मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? इसमें मेरा क्या लेना देना है? वो हम लोग देखते हैं आपका लेना देना है कि नहीं। इनसे पूछिए ना। और हमने किया ही क्या है? अभिजीत, तुम जरा प्रणय को वहां बिठाओ और पूछताछ करो। आइए प्रणय जी, आइए। कम 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 कम। ये आपका और चमन जी के बीच में हैव अ सीट प्लीज। ये आपका और चमन जी के बीच में कभी कोई बातचीत, कभी कोई झगड़ा? प्राची, क्रिश, तुम दोनों यहाँ बैठो। आओ, कम बैठो। मैंने आपको अपने डैड के खूनी को पकड़ने के लिए बुलाया था, आप मुझे यहाँ पकड़ कर लिया है। बैठ। उधर भैया हमें छोड़ के चले गए, भाभी हॉस्पिटल में पड़ी है, और आपको लगता है कि ये खून मैंने किया है अपने ही भाई का? मेरा और चमन में कोई झगड़ा नहीं था, वो तो मेरा पार्टनर था और दोस्त भी। मैं तो उसकी काफी सीक्रेट बातें जानता था। चमन अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था, उसने सारी प्रॉपर्टी मालविका, क्रिश और प्राची के नाम में कर दी थी, सबको बराबर। क्रिश, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, हमें मालूम है कि तुम्हारी अपने पिताजी के साथ कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए पार्टी के एक दिन पहले तुमने करण के ऑफिस में जाकर, मतलब तुम्हारे पिताजी के लॉयर के ऑफिस में जाकर झगड़ा किया था। क्यों? वो तो हाँ, वो तो क्या है बताओ। प्राची, तुम्हें तो रोज अपने भाभी भैया से पैसे मांगने पड़ते थे, है ना? तो तुमने सोचा होगा कि क्यों ना मैं ये रोज रोज के पैसे मांगने की खटखट बंद कर दूं? क्यों? सर। हाँ फ्रेडरिक्स। सर, डायना कहीं नहीं गई थी, यहीं पे थी। उसके मोबाइल फोन से एक भी रोमिंग कॉल नहीं की है, सारी कॉल्स यहीं की है, लोकल कॉल्स। ये देखिए सर। और सर, जब चमन की मौत हो गई तो थोड़ी देर बाद ही उसने करण को फोन कर दिया। मौत की थोड़ी देर बाद उसने करण को फोन किया? करण को फोन? सर, इस प्रणय ने बताया है कि चमन की पुरानी वसीयत के हिसाब से तीनों को बराबर बराबर जायदाद मिलने वाली थी, लेकिन अगर नई विल बनेगी तो किसी ना किसी का तो नुकसान होगा। अब जिसका नुकसान हो रहा था कौन, उसी ने किया सर। हाँ, पर वो है कौन? अभी पहले इस डायना से निपट लेते हैं, उसे मनाली की हवा लग गई है। कितनी बार बोलेगी मैं कि मैडम घर पे नहीं है? अब डायना मैडम को बुलाइए, हम लोग सीआईडी से हैं। वो एजेंट लोग आए थे ना, उनके पीछे मैडम भी बैंक गई है। वाह, दूसरों के लॉकर से भी चोरी करना शुरू कर दिया। यार, आप लोग कहां घुसे आ रहे हैं? एक मिनट, ये लॉकर करण का है ना? देखिए आप, इसकी चाबी तुम्हारे पास कहां से आई? देखिए आप लोग, इस तरह अंदर नहीं आ सकते। देखिए मैनेजर साहब, हमें अपना काम करने दीजिए। पैट्रिक्स, लेके जाओ इनको। चलिए 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 आप प्लीज। मेरा भी नाम लिखवाया था करण ने। अब ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने आ गया। हाँ जी, देखें तो सही क्या है इसमें। ओहो, ने पैसे, सीडी, करीब 25 लाख रुपए। ये करण लॉयर था या
बिजनेसमैन। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इतना बड़ा चांस था मेरे सामने, मुझे लालच आ गया था। एक दिन मैंने करण सर को फोन पे किसी से नई वसीयत के बारे में बात करते सुना। वो कह रहे थे कि वो नई वसीयत को जला देंगे और चमन कुमार को भी साफ कर देंगे। तो करण किसी के साथ वसीयत के बारे में डील करने वाला था, कौन था वो? पता नहीं किसका कॉल था, मैंने तो सिर्फ करण सर की आवाज सुनी थी। तुमने कहा कि तुमने करण को फोन पे बात करते हुए सुना कि नई वसीयत को वो जलाने वाला है, लेकिन वसीयत के जले हुए टुकड़े तो हमें चमन कुमार के स्टडी रूम से मिले, तो फिर ये कौन सी वसीयत है? करण सर एक बहुत स्मार्ट लॉयर थे, उन्होंने चमन कुमार के यहाँ विल की कॉपी जलाई थी सिर्फ अपनी डील पूरी करने के लिए, और बाद में असली कॉपी दिखाकर वो उस आदमी को ब्लैकमेल करने वाला था। मुझे लगा कि मैं भी थोड़े पैसे कमा सकती हूँ, मैं करण सर के पास गई उनको ये बताने के लिए कि मुझे सब कुछ मालूम है, मगर करण सर तो उल्टा मुझे ही धमकाने लगे। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें शूट कर दिया। करण ने चमन को मारा और तुमने करण का खून कर दिया, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला जिसने ये सब प्लानिंग बनाई और 25 लाख रुपए दिए। तो ये है वो वसीयत, मिस्टर चमन कुमार की विल, जिसकी वजह से ये आग लगी है। आग लगी? सर आग तो कहीं नहीं लगी थी। अरे फ्रेडरिक्स सर का कहने का मतलब है जो दो दो खून हुए हैं। हाँ फ्रेडरिक्स, दो दो खून जो हुए हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मैं तो कंफ्यूज हो गया था सर, वही मैं सोचूं कि आग लगी और मुझे किसे नहीं दिखी। चलो कोई बात नहीं, पढ़ो इस विल को। मैं चमन कुमार अपने पूरे होश हवास से लिख रहा हूं कि मेरा सारा पैसा, मेरी जायदाद। अरे सर क्या है? आए? ये क्या चक्कर है सर? माय गॉड, तो ये बात है, इसकी वजह से ये खून हुआ है। अभिजीत इस सीढ़ी को चला के देखो, करण ने ये सीढ़ी अपने लॉकर में छुपा के रखी थी, इसमें जरूर कुछ होगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। अभिजीत इस चमन कुमार के पूरे परिवार को बुलाओ। हाँ सर, अब तो सबको बुलाना ही पड़ेगा। एसीपी साहब, आपने बुलाया हमें? जी हाँ। अब मैं आपको कैसे बताऊं खूनी ने क्या क्या नहीं किया ये चमन कुमार जी का विल पाने के लिए, और जब उसे वो विल मिला। वसीयत मिल गई? क्या लिखा है वसीयत में? प्लीज जरा जल्दी पढ़ के सुनाइए ना। शट अप बुआ, बाहर में गई वो विल। खूनी का कुछ पता चला क्या? सर जवाब नहीं इस फैमिली का। वाह 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 वाह, कितने सुधर गए हो ना तुम तो। आज भैया जिंदा होते तो कितने खुश होते तुम्हें देख के, है ना भाभी? प्लीज प्राची, ठीक ही तो कह रहा है वो। वैसे भी पहले से ही हमारे खानदान पर बहुत बुरा वक्त चल रहा है, मैं अब इस सब को खत्म करना चाहती हूँ। एसीपी साहब, वसीयत में जो भी लिखा है, अच्छा बुरा, आप पढ़ दीजिए। ठीक है। नहीं अभिजीत, जरा तुम ही पढ़ लो। मैं? हाँ पढ़ लो, ये इतनी बुरी खबर है मैं नहीं पढ़ सकता। अब ड्यूटी तो करनी ही है, मैं ही पढ़ देता हूँ। मैं चमन कुमार अपने पूरे होश में अपनी सारी प्रॉपर्टी, कैश, एसेट्स। किसके नाम? अपनी सारी जायदाद, मेरी
मेरी बेटी डायना के नाम कर रहा हूं। What? डायना? ये आप क्या कह रहे हैं भाभी? ये क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो चमन कुमार जी ने खुद लिखा है। डैडी का दिमाग खराब हो गया था क्या? और ये डायना पापा की बेटी, ये सब क्या है मॉम? क्रिश प्लीज, अपने पापा के बारे में ऐसे नहीं बोलते, और वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अगर उन्होंने खुद डायना को अपनी बेटी मानकर उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी दी है, तो ऐसे भी साहब मुझे ये विल मंजूर है। ये क्या कह रही हैं आप मॉम? अब हमारा क्या होगा? बस क्रिश, अब इस बारे में और बात नहीं होगी। एसीपी साहब, विल में जो लिखा है सो लिखा है, आप बस इतनी मेहरबानी करिए कि मेरे पति के कातिल को ढूंढ दीजिए। मालविका जी, ये हमारा प्रॉमिस है कि खूनी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। चलो अब यहाँ से, अब तक तो सिर्फ भाई भाभी के सामने हाथ फैलाती थी, अब न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। उफ, अब क्या होगा सर? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। इतनी रात को कौन आया है? आप यहाँ इस वक्त आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, तो तुम हो चमन की वो बेटी। अगर मुझे पहले पता होता तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती, मैं तुम्हें पहले ही खत्म कर देती। ये आप क्या कर रही हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर तुम्हारा ही है। मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं है, और चमन की भी एक ही औलाद थी। मेरे कृष को ही सारी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। वाह मालिका जी, सी आई डी यहाँ? इसका मतलब ये आप लोगों की चाल थी मुझे पकड़ने के लिए। क्यों, प्लानिंग सिर्फ आप ही कर सकती हैं? है? वैसे मान गए आपके दिमाग को, बहुत टैलेंटेड है आप, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं। ये सब इसी की वजह से हुआ है, इसी ने हमारे खानदान को बर्बाद किया है। पार्टी की रात तो चमन जी की सिर्फ बॉडी का खून हुआ था, अंदर से तो वो बहुत पहले मर चुके थे। उन्हें आपकी प्लानिंग ने नहीं, आपके धोखे ने मारा था। मैं चमन कुमार अपने पूरे होश और हवास में स्टेटमेंट दे रहा हूं। मुझे लगता है कि कोई मेरी जान लेना चाहता है, इसीलिए मैं ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरी वाइफ मल्लिका ने मुझे धोखा, तो आप लोगों ने विल के बारे में मुझसे झूठ कहा। आपका असली चेहरा सामने लाने के लिए। आपके नए विल में सब कुछ प्राची को मिलता है। अब आप तो जाएंगी जेल, और आपका बेटा क्रिश आएगा सड़क पे। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर किसी ने हिलने की भी कोशिश की या मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगी। छोड़ो उसे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखिए, आप हट जाइए, ऑफिसर हट जाइए। छोड़िए आप प्लीज। मैं मार सकती हूँ, मैं कह रही हूँ मैं मार सकती हूँ। माय गॉड, ये धुन कहाँ से आ गई? मालविका जी, मालविका जी सामने आ जाइए। मालविका जी, कहीं कहीं आसपास होगी, ढूंढो ध्यान से। मालविका जी, वो
बस बस मालविका जी, बहुत भाग लिया आप, आराम करने का टाइम आ गया है। मैं कहाँ हूँ? फ्रेडी, गुड जॉब फ्रेडी। कौन फ्रेडी? अरे ये आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है। ये तुम्हारे अंकल की आवाज है। अंकल? कौन अंकल? ये तो गया। फ्रेडी, फ्रेडी होश में आओ, फ्रेडी, चलो। संभाल के, इस बेचारे ने तो अपना काम कर दिया, अब बाकी जिंदगी आपको शायद जेल में ही काटनी पड़ेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.